बताना है ना, थोड़े बताना क्या ले रहे हो। मैदा है। हाँ मैदा है। अच्छा ये कितना किलो मैदा हो गए? ये करीब होगा 10 किलो मैदा। 10 किलो। दस किलो नहीं होगा तब हो जाएगा है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाते हैं। भैया रोटी का आटा और उनका लगता है उनसे टाइट रहता है, ना ढीला उससे और ढीला रहता है। हाँ हरा हरा पानी लगा दिया जाए तो ढीली है भैया। तो भाई इसके बाद में फिर इसमें से ऐसे लोई बना लेते हैं। लोई बना लेते हैं। हाँ इसके बाद यहाँ जाता है। हाँ जाता है। मैदा जी भैया जी मसाला है। मसाला यानी कि क्या क्या डाल दिया इसमें? इसमें रिफाइंड घी। रिफाइंड घी मैदा। अच्छा इसी की वजह से फूलता है, इसी की वजह से कड़क होता है जी भैया जी। अच्छा इसको इस पर लगाएंगे। ये हमारे इनके प्रोप्राइटर हैं। अच्छा ये लेयर बनाते हैं इसमें। ये लोई है इसका मसाला। हाँ मसाला है। भाई तो पूरे एक्सपर्ट हैं इसमें। कैमरा तो बिल्कुल क्लीन है। ये बार हमारे भैया की फोटो भी ले लो। आ गई भैया। यही हमारे भैया जी प्रोपराइटर। और यहाँ लोई बनाने के बाद फिर यहाँ आता है तो वहाँ से फिर यहाँ आते हैं जो बना रहे हैं वो यहाँ से। हाँ वहाँ से बन के यहाँ आते हैं। ये अलग अलग तरीके कैसे हैं सब? ये नमकीन भी बनता है इसमें से। अच्छा वो जो लाल वाला बनता है। हाँ और
जो ऊपर की तरफ खाना है वो दूध वाला है। दूध वाला है, दूध वाला है। और ये है हल्के मीठे में। अच्छा, और इसी में से केक मीठे में ऊपर की तरफ वाला है, ये ब्रांड है। कितनी मतलब कितनी वैरायटी बनती है? पाँच चार है, खोआ वाला भी बनता है। पाँच बनती है, जो मैदा जो मार रहे हैं वो दूध में मार के दूध वाला होता है, ये सब पानी में देते हैं। अच्छा, जो आटे में मैदा लगाई है उसको दूध में लगाते हैं, मार देते हैं। ये में बनता है और हल्के मीठे में बन जाता है। पाँच वी तैयार हुआ। अच्छा, ये कम मीठा है। अच्छा, ये ज़्यादा मीठा है। और ये कैसा है? दूध वाला। ये दूध वाला है। अच्छा, इसका आटा दूध में लगाया जाता है वो है। और ये पीछे ये सादा है, और पीछे वो अलग रंग का रखा है वो। अच्छा, ये सादा है, वो नमकीन है। ये नमकीन है।